नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। चैनल पर नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस पशु चिकित्सा से संबंधित आप देखते रहें। आज हम एक बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। ऐसी समस्याएँ अक्सर पाई जाती हैं, खासकर गायों में निमोनिक कंडीशन हो जाता है, शीत गर्म लगता है और उसके बाद समस्या हो जाती है, थोड़ा सा लापरवाही आपकी भारी पड़ जाती है। तो आज पूरा इस वीडियो में विस्तार से सारी समस्या कैसे क्या हुआ है, इलाज कैसे किया गया है, विस्तार से समझेंगे जानेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, पशुपालक ने हमको बुलाया, तो ये तीन चार दिन पहले इसको समस्या हुई थी, फीवर आया था। अभी स्थिति ये है कि ये सांस लेने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है और गाय बैठ तक नहीं पा रही है, बैठ जा रही तुरंत खड़ी हो जा रही है, व्याकुल है, खा पी नहीं रही एकदम। टेम्परेचर 102.2 है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, मगर ये देखिए स्थिति, जैसा देख रहे हैं नाक सिकोड़ रही है, नाक जो है ये खींच के सांस ले रही है, मुँह से गाज निकल रहा है और फ्लैंक रीजन ये देखिए, दोनों तरफ बाएं या दाएं साइड आप देख सकते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग जब होती है, ज़बरदस्ती सांस लेती है तो उभर रहा है। और ऐसी स्थिति बन गई है कि ज़बरदस्ती सांस खींचते खींचते अगर थक गई और गिर गई तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये बहुत कसक निमोनिक कंडीशन हो गया है, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट में होता है सांस फूलना जिसे कहते हैं, उसी तरह से समस्या है। नेजल डिस्चार्ज भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो हमको कोई भी केस है उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर होनी ज़रूरी है। आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कैसे क्या इसको समस्या है। और गाय प्रेग्नेंट भी है 5 महीने की, तो हमको वो भी देखना है। गोबर किया है, पेशाब सही किया है, लेकिन चारा बिल्कुल नहीं खा रही है, जुगाली भी नहीं कर रही है। दरअसल सांस लेने की इतनी समस्या है कि कोई तो आप हिस्ट्री पहले ले लें, उसके बाद सिम्टम देख लें, जैसा कि हमने बताया इसमें दिखा है जो सिम्टम, और उस आधार पर फिर ट्रीटमेंट करें। निमोनिया का केस जो होता है उसमें अक्सर बैक्टीरियल निमोनिया होता है, तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस भी उसी हिसाब से रहनी चाहिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक जो होती हैं, तो अच्छी एंटीबायोटिक ज़रूरी है, कम्बिनेशन में भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स जो हैं, चाहे आप 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमने इस केस में 20 ml डेरीफाइरिन IV, 3 ग्राम सेफ्ट्राक्जोन IV दिया है, आइसोफ्लिडोन 5 ml इंट्रामस्कुलर, एंड्रोफ्लाक्सासिन LA, फोर्टिविर 30 ml, 15-15 ml दो साइड पे इंट्रामस्कुलर, और मेलोनेक्स 20 ml इंट्रामस्कुलर दिया है। ये देखिए दूसरे दिन का कंडीशन है, थोड़ा थोड़ा हरा चारा खाना शुरू कर दी है, बैठी है आराम से, सांस लेने की तकलीफ़ काफ़ी कम हो गया है, नेजल डिस्चार्ज एकदम कम हो गया है। ये देखिए अब इस स्थिति में हम आइसोफ्लिडोन और एंड्रोफ्लाक्सासिन LA छोड़ के बाकी सब रिपीट किया जाएगा। आज सेफ्ट्राक्जोन 3 ग्राम IV दे दिया जाएगा और मेलोनेक्स मस्कुलर, साथ में CPM और एक बी कॉम्प्लेक्स भी आज ऐड कर देंगे। इतने इंजेक्शन आज देंगे, कल की स्थिति रहेगी अगर इंजेक्शन देने लायक तो कल भी रिपीट करेंगे।